लोटस प्रेगनेंसी केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के लक्षण, शिशु का विकास और सावधानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकून की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो लाइक करना मत भूलें। अगर वीडियो पसंद आता है तो फैमिली और फ्रेंड में वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की पहली तिमाही को एंजॉय कर रहे हैं या फिर दूसरी तिमाही में पहुंच गई हैं तो हमारे वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हम आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में महसूस होने वाले लक्षणों, बदलावों के बारे में बताएंगे, साथ ही दूसरी तिमाही में शिशु का कितना विकास हो जाता है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही 14वें सप्ताह से 27वें सप्ताह तक चलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के इस समय को सबसे अच्छा माना जाता है। दरअसल पहली तिमाही में महिलाओं को उल्टी, मतली और थकान का अनुभव होता है, जबकि दूसरी तिमाही में ये लक्षण कम होने लगते हैं। साथ ही इस तिमाही में शिशु का विकास भी तेजी से हो रहा होता है। दूसरी तिमाही में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो इस दौरान शिशु की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको कई तरह के लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इनमें शामिल है चक्कर आना। इस दौरान शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव होता है, इसकी वजह से सर में रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, इससे आपको चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। राउंड लिंगामेंट में दर्द। दूसरी तिमाही में जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है लिंगामेंट खिंचते हैं और इसमें दर्द हो सकता है, इसकी वजह से आपको कमर पेट में दर्द का अनुभव हो सकता है। त्वचा के रंग में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में मेलेनिन नामक हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है, इसकी वजह से त्वचा के रंग में बदलाव नज़र आने लगता है, इसकी वजह से निप्पल का रंग भी गहरा होने लगता है। त्वचा पर खुजली होना। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे समय बीतता है वजन बढ़ने लगता है, इससे त्वचा पर खिंचाव महसूस होता है और त्वचा ड्राई होने लगती है, साथ ही त्वचा पर खुजली भी होने लगती है। पैरों में ऐंठन। कुछ महिलाओं को दूसरी तिमाही में पैरों में ऐंठन का अनुभव हो सकता है। पैरों में सूजन और दर्द भी महसूस हो सकता है। पेट के निचले हिस्से का दर्द। गर्भाशय का आकार बढ़ने पर आपके दबाव पड़ता है, इससे पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, इसके लिए आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। कब्ज होना। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में कब्ज की दिक्कत होना भी बेहद आम है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में कौन से बदलाव नजर आते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको कई तरह के शारीरिक बदलावों का अनुभव हो सकता है। इनमें शामिल हैं पेट और स्तनों का आकार बढ़ना। दूसरी तिमाही तक आते आते गर्भाशय बच्चे की जगह देने के लिए फैलने लगता है, इससे पेट का आकार बढ़ जाता है, इस दौरान स्तनों के आकार में भी वृद्धि होने लगती है। त्वचा में बदलाव होना। दूसरी तिमाही के दौरान आपको अपनी त्वचा में बदलाव नजर आ सकते हैं, इस दौरान आपके त्वचा का रंग सांवला पड़ सकता है, साथ ही स्ट्रेस मार्क भी नजर आ सकते हैं। नाक की समस्या। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, इसकी वजह से सलेस्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है, इससे नाक से रक्तस्राव हो सकता है। दांतों से जुड़ी समस्याएं। दूसरी तिमाही के दौरान आपके दांतों से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। दरअसल प्रेगनेंसी में मसूड़े संवेदनशील हो जाते हैं जिससे रक्तस्राव हो सकता है।
वजाइनल डिस्चार्ज। इस दौरान आपको योनि से सफ़ेद स्राव हो सकता है, ये सामान्य है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्चार्ज से बदबू आ रही है यानी गंध आ रही है तो तुरंत अपनी डॉक्टर को दिखाएं। शिशु के साथ भावनात्मक संबंध। दूसरी तिमाही में माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध विकसित होने लगते हैं। इस दौरान महिला ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में शिशु का विकास तेजी से हो रहा होता है। इस दौरान शिशु के शरीर के अंग विकसित हो रहे होते हैं, साथ ही जो अंग पहली तिमाही में विकसित हो चुके हैं उनमें भी सुधार होता है। इस अवधि में शिशु के पूरे विकास का आकार बढ़ता है। इस दौरान शिशु की हड्डियां और नसें विकसित हो रही होती हैं, साथ ही मस्तिष्क और हृदय जैसे अंग भी विकसित होते हैं। दूसरी तिमाही में नाक, कान, आंखें, बाल, नाखून जैसे अंग भी बनते हैं। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल सके कि आप और आपका बच्चा स्वस्थ है या नहीं। सबसे पहले आपको कराना है यूरिन टेस्ट। दूसरी तिमाही में पेशाब की जांच की जाती है, इससे पता चलता है कि मूत्र पथ में कोई संक्रमण तो नहीं है। उसके बाद होता है अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसमें शिशु की लंबाई, प्लेसेंटा की स्थिति और मस्तिष्क के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्कैन। इस टेस्ट को शिशु के पाचन तंत्र की जांच के लिए किया जाता है। ब्लड टेस्ट। इसमें महिलाओं में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की जाती है, साथ ही ब्लड टेस्ट से शुगर की जांच भी की जाती है। फेटल अनोमली स्कैन। इस टेस्ट को दूसरी तिमाही के अंत में किया जाता है। इस टेस्ट से शिशु के शारीरिक विकास में किसी भी अनियमितता की जांच की जाती है। इस टेस्ट के जरिए शिशु के हृदय, ब्रेन, आंतरिक अंगों की स्क्रीनिंग की जाती है। ग्लूकोज टेस्ट। इस टेस्ट को गर्भवती महिलाओं में ग्लूकोज के स्तर की जांच के लिए किया जाता है। डायबिटीज के जोखिम की निगरानी रखने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में ये सावधानियां आपको रखनी है। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको कुछ सावधानियों को फॉलो करना चाहिए। इस दौरान आपको अपने खान पान का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज़्यादा तला भुना खाने से बचें। इस दौरान कैफीन इंटेक से भी आपको बचना होगा। आपको समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए, साथ ही उनके साथ अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करनी चाहिए। अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप कैसे हैं, आपका बच्चा आपके पेट के अंदर है वो कैसा है, दोनों हेल्दी हैं या नहीं, इस चेकअप से ये पता लगेगा, तो आपकी जो तकलीफें हैं वो परफेक्ट ख़त्म हो जाएगी। इस दौरान आपको ज़्यादा काम करने से बचना चाहिए। समय समय पर खुद को आराम देना चाहिए। प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में सही पोजीशन में बैठना, उठना और सोना चाहिए। इस दौरान भारी वजन उठाने से आपको बचना चाहिए, इससे पेट पर दबाव पड़ सकता है और शिशु को दिक्कत हो सकती है। दूसरी तिमाही में भी आपको पहली तिमाही की तरह खाना समय पर खाना है, हेल्दी खाना खाना है, कुछ ऐसा नहीं खाना है जिससे आपको आपके बच्चे को तकलीफ हो।
अगर आप ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो इन चीज़ों को प्रेगनेंसी के टाइम पे बंद कर देना चाहिए। इससे आपको तकलीफ़ कम होगी, आपके बच्चे को तकलीफ़ ज़्यादा होगी, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है। तो ये था हमारा दूसरा सेमेस्टर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। कुछ जानना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप हमारे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।